अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेलीप्राइम के इस अध्याय में आप जानेंगे जीएसटी रिपोर्ट्स के अंतर्गत जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3B क्या हैं और इनमें किस ऑप्शन का क्या उपयोग है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि परचेज और सेल्स के वाउचर बनाते समय जीएसटी कैलकुलेट नहीं होने के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं और उनके क्या समाधान हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3B रिपोर्ट्स के बारे में। टेलीप्राइम में जब हम परचेज और सेल्स की एंट्रीज करते हैं तो इन एंट्रीज के आधार पर GSTR-1, GSTR-2 और GSTR-3B इत्यादि GST रिपोर्ट्स अपने आप तैयार होती हैं। इनमें से कुछ रिपोर्ट्स को हम रिटर्न के रूप में अनिवार्य रूप से मंथली या क्वार्टरली GST पोर्टल पर अपलोड करते हैं और कुछ रिपोर्ट GST पोर्टल पर पहले से अपलोड रिपोर्ट से क्रॉस चेक करने के काम आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। जीएसटी रिपोर्ट्स को हम दो तरीकों से देख सकते हैं। यदि आप टैली में कहीं कोई काम कर रहे हैं और उसे बंद किए बगैर जीएसटी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो गो टू के लिए ऑल्टर के साथ जी प्रेस करें। अब सर्च बार में टाइप करें जीएसटी। ऐसा करते ही जीएसटी रिपोर्ट्स के अंतर्गत आने वाली सभी तरह की रिपोर्ट्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप गेटवे ऑफ टैली पर हैं और जीएसटी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाना होगा। उसके लिए डी प्रेस करेंगे। अब जीएसटी रिपोर्ट्स के लिए ओ प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारे सामने जीएसटी रिपोर्ट्स दिखाई दे रही है। इसमें सबसे ऊपर हमें तीन ऑप्शंस जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3B दिखाई दे रहे हैं। हम एक एक करके इन तीनों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले है GSTR-1। हम व्यापार में जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज जैसे सेल्स टैक्सेबल, निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड, सेल्स रिटर्न और एक्सपोर्ट इत्यादि करते हैं, ये उनके आधार पर तैयार होने वाली टैक्स समरी है। इसे व्यापारी को अपनी टर्नओवर के हिसाब से जीएसटी पोर्टल पर मंथली या क्वार्टरली रिटर्न के रूप में सबमिट करना होता है। यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो क्वार्टरली और यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है तो इसे मंथली सबमिट करना होता है। हम GSTR-1 पर ही हैं, इसलिए एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए GSTR-1 रिपोर्ट ओपन हो गई है। इसमें सबसे ऊपर हमें अपनी कंपनी का GST नंबर दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ राइट साइड में पीरियड दिखाई दे रहा है। हम अपनी जरूरत के अनुसार F2 की प्रेस करके पीरियड चेंज कर सकते हैं। GSTR-1 को समझने के लिए हम इस वर्ष के प्रारंभ से लेकर अभी तक के पीरियड की रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, इसमें जो पीरियड दिखाई पड़ रहा है उस अवधि में हमने जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं ये उनकी समरी है, जिन्हें हम एक एक करके समझते हैं। पहला ऑप्शन है टोटल वाउचर्स। हम जो भी पीरियड सिलेक्ट करते हैं उस पीरियड में हमने टेलीप्राइम में जितने भी वाउचर बनाए हैं जैसे रिसीट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, परचेज और सेल्स इत्यादि, यहाँ उन सभी की कुल संख्या दिखाई देती है। हम इस पर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ सभी वाउचर्स के नाम और उनकी संख्या दिखाई दे रही है। इसके बाद है इंक्लूड इन रिटर्न। इसमें GSTR-1 में जो जो एंट्रीज शामिल होंगी जैसे सेल्स, सेल्स रिटर्न इत्यादि, वो सभी दिखाई देती हैं। फिर है इंक्लूड इन HSN/SAC समरी। हमने आउटवर्ड सप्लाई के जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं उनमें वाउचर्स बनाते समय स्टॉक आइटम या सर्विस के लेजर सिलेक्ट किए होंगे। अब जिन स्टॉक आइटम्स या सर्विस के लेजर में हमने HSN या SAC डाला होगा वो सभी ट्रांजैक्शंस हमें इंक्लूड इन HSN/SAC समरी में दिखाई देंगे।
हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए इनकी समरी दिखाई दे रही है। जिन स्टॉक आइटम्स या सर्विस के लेजर में हमने HSN या SSC नहीं डाला है या फिर अमान्य यानी इनवैलिड HSN या SSC डाल दिया है तो वो हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन HSN/SSC समरी में दिखाई पड़ेंगे। हम यहीं पर एंटर प्रेस करके HSN/SSC डाल सकते हैं और उन्हें ठीक भी कर सकते हैं। इसके बाद है नॉट रेलेवेंट इन दिस रिटर्न। इसमें हमें वो ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे जो ट्रांजेक्शन GSTR-1 से संबंधित नहीं है, जैसे पेमेंट, रिसीट, कॉन्ट्रा परचेज इत्यादि, वो इसमें दिखाई देंगे। अगला है अनसर्टन ट्रांजेक्शन्स। ये इस सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इसमें आउटवर्ड सप्लाईज के वो ट्रांजेक्शन आएंगे जिनमें हमने GST से संबंधित किसी प्रकार की कोई मिस्टेक कर दी है या फिर अपर्याप्त जानकारी दी है, यानी पूरी जानकारी नहीं दी है। वाउचर में की गई इन मिस्टेक्स को या अधूरी जानकारी को हमें GST रिटर्न भरने से पहले ठीक करना जरूरी होता है। इनके बारे में हम आपको इसके बाद वाली वीडियो जो कि Uncertain/Mismatch ट्रांजेक्शन के बारे में है उसमें डिटेल में समझाएंगे। अभी ऊपर इस सेक्शन में हमने देखा कि टोटल वाउचर्स कितने हैं, GSTR-1 में कितने शामिल हो चुके हैं, कितने में हमने HSN डाल दिए हैं, कितने में नहीं डाले हैं या गलत डाल दिए हैं, कितने ट्रांजेक्शन्स GSTR-1 से संबंधित नहीं हैं और कितने ट्रांजेक्शन्स में हमने मिस्टेक्स की हैं। अब ये वाला जो सेक्शन है इसे मुख्य रूप से GST डिपार्टमेंट की आवश्यकता के अनुसार रिटर्न फॉर्मेट में बनाया गया है। जो ट्रांजेक्शन्स GSTR-1 में इंक्लूड हो रहे हैं उन्हें यहाँ अलग अलग टेबल में क्लासिफाई किया गया है। इसमें सबसे पहले है B2B इनवॉइसेस। B2B से मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें प्रदेश के अंदर या बाहर के रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर दोनों को की गई आउटवर्ड सप्लाई यानी सभी तरह की सेल्स की रिपोर्ट्स दिखाई पड़ती हैं। हम इस पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ उन सभी पार्टियों की GST रिपोर्ट दिखाई दे रही है जो GST में रजिस्टर्ड हैं। अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे नंबर की। इसमें है B2C लार्ज इनवॉइसेस और B2C स्मॉल इनवॉइसेस। इन दोनों में ही कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई सेल दिखाई देती है, पर इनकी कुछ कंडीशंस हैं। यदि कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड डीलर अपने ही स्टेट का है और हम उसे एक इनवॉइस पर कितने भी रुपए का माल बेचें, जैसे 10,000, 2,50,000, 5,00,000 या फिर उससे अधिक, इस तरह के सभी वाउचर्स B2C स्मॉल इनवॉइसेस में दिखाई देते हैं। और यदि कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड डीलर किसी दूसरे स्टेट का है और उसकी एक इनवॉइस में की गई सेल का अमाउंट 2,50,000 या उससे कम है तो उस इनवॉइस की GST रिपोर्ट B2C स्मॉल इनवॉइसेस में दिखाई देती है। पर यदि उसके एक इनवॉइस का अमाउंट 2,50,000 से अधिक है तो उसकी GST रिपोर्ट हमें B2C लार्ज इनवॉइसेस में दिखाई देगी। अगला है क्रेडिट और डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड। जब हम किसी रजिस्टर्ड पार्टी को कोई सेल करते हैं और उस सेल के अगेंस्ट कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बनाते हैं तो वो इसमें दिखाई देते हैं। पांचवा है क्रेडिट/डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड। जब हम प्रदेश के बाहर के कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड डीलर को कोई सेल करते हैं और उस सेल के अगेंस्ट कितने भी अमाउंट का क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बनाते हैं तो उसकी रिपोर्ट हमें इसमें दिखाई देती है। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें कि यदि हम अपने ही प्रदेश के किसी कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड डीलर को कोई सेल करते हैं और उस सेल के अगेंस्ट कितने भी अमाउंट का क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बनाते हैं तो उसकी रिपोर्ट हमें B2C स्मॉल इनवॉइसेस में ही दिखाई देती है। इसके बाद है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। यदि हम अपने देश के बाहर यानी आउट ऑफ इंडिया कोई सेल्स यानी एक्सपोर्ट करते हैं तो वो इसमें आएंगे। अगला है टैक्स लायबिलिटी एडवांसेस रिसीव्ड। जब हम किसी महीने में किसी पार्टी से एडवांस लेते हैं और सेल
बाद के महीने में करते हैं तो इस तरह के एडवांस पर भी हमें जीएसटी देना होता है, जिसके लिए बुक्स में हमें अपनी टैक्स लायबिलिटी बढ़ाना होती है और इसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, वो इसमें दिखाई पड़ती है। आठवां ऑप्शन है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। जब हमें किसी माह में एडवांस प्राप्त होता है तो हम उस एडवांस के लिए पहले बताए अनुसार टैक्स लायबिलिटी बढ़ाने की एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं, और जब बाद वाले माह में हम उस एडवांस के अगेंस्ट सेल करते हैं तो उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री करना होती है, जो कि इसमें दिखाई पड़ती है। नवे नंबर पर है निल रेटेड इनवॉइसेस। हम इस पर एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए, इसका नाम तो निल रेटेड इनवॉइसेस है, जिससे हमें लगता है कि इसमें सिर्फ निल रेटेड सप्लाई की ही जीएसटी रिपोर्ट्स दिखाई देंगी, पर ऐसा नहीं है। यहाँ हमें निल रेटेड सप्लाई के साथ साथ एग्जम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई की भी रिपोर्ट दिखाई देती है। इसके साथ ही यहाँ पर्टिकुलर में आप अलग अलग हेडिंग्स देख रहे हैं। आप जिस तरह की सप्लाई करते हैं वो उससे संबंधित हेडिंग में चली जाती है। जैसे कि हम किसी रजिस्टर्ड डीलर को इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो वो इंटरस्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन में दिखाई देंगी। इसी प्रकार से अन्य हेडिंग्स हैं जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हैं। इनके सामने ही यहाँ निल रेटेड, एग्जम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई के लिए तीन अलग अलग कॉलम्स बने हैं। आपने जिस प्रकार की सप्लाई की है उसे लेफ्ट या राइट एरो की से उस कॉलम पर जाकर एंटर प्रेस करके देख सकते हैं। चलिए एस्केप की से वापस पीछे चलते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि जीएसटी के नियमानुसार किसी भी एक सेल्स इनवॉइस में टैक्सेबल आइटम्स के साथ में एग्जम्प्टेड और निल रेटेड का बिल ना बनाएं। यानी टैक्सेबल आइटम्स के लिए अलग इनवॉइस और एग्जम्प्टेड और निल रेटेड के लिए अलग इनवॉइस बनाएं। और यदि आप टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड और निल रेटेड के लिए एक ही इनवॉइस बनाते हैं तो फिर उसकी रिपोर्ट हमें इनमें से किसी में, यानी B2B इनवॉइसेस, B2C लार्ज या B2C स्मॉल में दिखाई देती है। यहाँ टोटल में दिखाई देता है कि GSTR-1 में कुल कितने वाउचर्स ऐड हो चुके हैं, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है, टोटल टैक्स अमाउंट कितना है और दोनों को मिलाकर टोटल इनवॉइस अमाउंट कितना है। इसके बाद अगले सेक्शन में है HSN/SAC समरी। हमने जो सेल्स के इनवॉइसेस बनाए हैं उनमें जो स्टॉक आइटम या सर्विस के लेजर लिए हैं उनमें यदि हमने HSN या SAC डाला होगा तो ये समरी उसके आधार पर अपने आप बन जाती है। हम इस पर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, जिन स्टॉक आइटम्स में हमने HSN डाला है वे सभी इस HSN/SAC समरी में इंक्लूड हो गए हैं। साथ ही स्टॉक आइटम्स की सारी सेल्स डिटेल्स भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद है डॉक्यूमेंट समरी। हम इस पर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि इस पीरियड में हमने टोटल कितने सेल्स वाउचर बनाए हैं, वे किस सीरियल नंबर से शुरू हो रहे हैं और आखिरी वाउचर किस नंबर का है, कितने वाउचर कैंसल हुए हैं और नेट सेल्स वाउचर कितने हैं। इसी तरह से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की भी सारी जानकारी यहाँ दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ कुछ अन्य प्रकार के वाउचर्स की भी समरी दिखाई देती है, जैसे कि परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, डिलीवरी नोट रिकॉर्डेड फॉर ब्रांच ट्रांसफर्स इत्यादि। हमने अभी उन पर काम नहीं किया है इसलिए उनके नाम यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस बारे में हम आपको एडवांस लेवल में डिटेल में बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी आप GSTR-1 रिपोर्ट का ये जो व्यू देख रहे हैं ये रिटर्न व्यू है, क्योंकि हमें GSTR-1 रिटर्न इसी फॉर्मेट में फाइल करना होता है। इस व्यू के अलावा हम इसे यहाँ राइट साइड में दिखाई दे रहे नेचर व्यू ऑप्शन की सहायता से नेचर व्यू में भी देख सकते हैं। हम इसका शॉर्टकट F5 प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, अब इसका व्यू सेल्स के नेचर के आधार पर दिखाई दे रहा है। इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि हमने कुल कितने रुपए की लोकल सेल्स की है, कुल कितने रुपए की इंटरस्टेट सेल्स की है और दोनों को मिलाकर टोटल आउटवर्ड सप्लाईज कितने की है। और यदि आप चाहें तो इसे यहीं डिटेल में देख सकते हैं। ये देखिए,
लोकल सेल्स के अंतर्गत हमने कुल कितनी टैक्सेबल सेल्स की हैं और कितनी एग्जेम्प्टेड सेल्स की हैं ये भी दिखाई पड़ रहा है। और इसी तरह से हमें इंटर स्टेट सेल्स की भी पूरी डिटेल्स दिखाई दे रही है। अब हम नेचर व्यू से वापस रिटर्न व्यू में जाने के लिए फिर से F5 की प्रेस करेंगे। ये देखिए व्यू चेंज हो गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि GSTR-1 में किस ऑप्शन का क्या उपयोग है। चलिए अब हम एस्केप की से वापस GST रिपोर्ट्स वाली स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं GSTR-2 के बारे में। हम व्यापार में जितनी भी इनवर्ड सप्लाई जैसे परचेस टैक्सेबल, निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड, परचेस रिटर्न और इंपोर्ट इत्यादि करते हैं उसके आधार पर ये GSTR-2 रिपोर्ट तैयार होती है। इसे हमें आंशिक रूप से यानी पार्टली GST पोर्टल पर अपलोड करना होता है। यहाँ हम आपको बता दें कि टैली में हम परचेस की जितनी भी एंट्रीज करते हैं उनकी रिपोर्ट हमें टैली में GSTR-2 के नाम से प्राप्त होती है और इससे मिलती जुलती परचेस की एक रिपोर्ट हमें GST पोर्टल पर भी मिलती है, वो GSTR-2A कहलाती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये GSTR-2A GST पोर्टल पर पहले से ही कैसे अपलोड रहती है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि जब हम अपने सप्लायर से कोई परचेस करते हैं तो उनके लिए तो ये सेल्स है और वे सेल्स की समरी GSTR-1 के माध्यम से GST पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। बस इसी के आधार पर पोर्टल पर हमारी GSTR-2A रिपोर्ट बन जाती है। हमें GST पोर्टल से GSTR-2A डाउनलोड करके उसे GSTR-2 से रिकंसाइल करना होता है, यानी कि GSTR-2 से मिलाना होता है। अभी हम GSTR-2 को समझने के लिए उस पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए GSTR-2 रिपोर्ट दिखाई दे रही है। GSTR-2 को समझने के लिए हम इस वर्ष के प्रारंभ से लेकर अभी तक के पीरियड की रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं। इसमें ऊपर के पर्टिकुलर वाले सेक्शन में ये ऑप्शंस वैसे ही काम करते हैं जैसे कि हमने GSTR-1 में समझा था। तो इन्हें छोड़ करके हम बाकी के ऑप्शंस समझ लेते हैं। एक है इनवॉइसेस रेडी फॉर रिटर्न्स। हमने परचेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं सभी इसमें दिखाई देते हैं। ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देते हैं। अगला ऑप्शन है इनवॉइसेस विद मिसमैच इन इंफॉर्मेशन। इसमें परचेज और परचेज रिटर्न के ऐसे ट्रांजेक्शन्स दिखाई देते हैं जिनमें हमने GST से संबंधित कोई गलती कर दी है या फिर GST से संबंधित अधूरी जानकारी दी है या गलत जानकारी दी है। हम कौन कौन सी मिस्टेक कर सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम आपको इसके बाद वाली वीडियो अनसर्टेन ऑब्लिक मिसमैच ट्रांजेक्शन में डिटेल में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वाले सेक्शन के हेडिंग को पहले समझ लेते हैं। टू बी रिकनसाइल्ड विद द GST पोर्टल। इसका मतलब है कि GST पोर्टल पर दी गई जानकारी से यानी GSTR-2A से हमें इस डिटेल को चेक करना होगा और अगर कहीं कोई गलती मिलती है तो हमें उसे पोर्टल पर ठीक करना होता है। इसके अंतर्गत हमें दो टेबल्स दिखाई दे रही हैं। पहली है B2B इनवॉइसेस। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें रेगुलर डीलर से की गई टैक्सेबल परचेस की GST रिपोर्ट दिखाई देती है। अगला है क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट नोट्स रेगुलर। हम रेगुलर डीलर से की गई परचेसेस के अगेंस्ट जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स बनाते हैं उनकी GST रिपोर्ट्स इसमें दिखाई देती हैं। इसके बाद एक हेडिंग है टू बी अपलोडेड ऑन द GST पोर्टल, यानी कि इस हेडिंग के अंतर्गत दी गई सभी जानकारी हमें स्वयं GST पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। दरअसल इस हेडिंग के अंतर्गत ऐसी जानकारियां होती हैं जो GST पोर्टल पर पहले से अपलोड नहीं होती हैं, वो हमें देना होती हैं यानी हमको अपलोड करना पड़ती हैं। इसमें पहला है B2B UR invoices। हम अनरजिस्टर्ड डीलर से जितनी भी परचेस करते हैं उनके ट्रांजेक्शन्स इसमें आएंगे। फिर है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यदि हम अपने देश के बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं या फिर सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कोई सर्विस परचेस करते हैं
तो उनके ट्रांजैक्शंस इसमें दिखाई देंगे। इसके बाद है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यदि हम अपने देश के बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हैं या फिर सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से गुड्स परचेज करते हैं तो उनके ट्रांजैक्शंस इसमें दिखाई देते हैं। इसके बाद है क्रेडिट एंड डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। यदि हम अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई परचेसेस करते हैं और उसके अगेंस्ट कोई क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बनाते हैं तो उसकी जीएसटी रिपोर्ट हमें इसमें दिखाई देगी। इसके बाद है निल रेटेड इनवॉइसेस। इसे समझने के लिए पहले हम ऑल्टर और F5 कीज को प्रेस करके इस रिपोर्ट का डिटेल्ड व्यू देख लेते हैं। देखिए अब हमें निल रेटेड इनवॉइसेस के अंदर चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कंपोजिशन, एग्जेम्प्ट, निल रेटेड और नॉन जीएसटी। कंपोजिशन में हमें कंपोजिशन डीलर से की गई परचेस की जीएसटी रिपोर्ट दिखाई देती है और यदि हम किसी रेगुलर डीलर से एग्जेम्प्ट, निल रेटेड और नॉन जीएसटी गुड्स परचेस करते हैं उनकी जीएसटी रिपोर्ट हमें यहाँ दिखाई देती है। ध्यान रखें, यदि हम किसी रेगुलर डीलर से एक परचेस बिल में टैक्सेबल आइटम्स के साथ ही एग्जेम्प्टेड और निल रेटेड आइटम्स भी परचेस करते हैं तो उनकी रिपोर्ट यहाँ न दिखाई पड़ते हुए ऊपर यहाँ B2B में दिखाई पड़ती है। अगला है एडवांस पेड। जब हम किसी महीने में किसी सप्लायर को एडवांस देते हैं और परचेज उसके बाद के महीने में करते हैं तो इस तरह हमने अपने सप्लायर को जो एडवांस दिया होता है हम उस एडवांस अमाउंट की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट है उसको रेज करने की एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं, वो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। जब हम किसी माह में किसी सप्लायर को एडवांस देते हैं तो उस एडवांस का इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अमाउंट है उसको रेज करने की एडजस्टमेंट एंट्री पहले बताए अनुसार कर लेते हैं और जब बाद वाले माह में हम उस एडवांस के अगेंस्ट परचेस करते हैं तो उसके टैक्स की भी एडजस्टमेंट एंट्री करना होती है जो कि इसमें दिखाई पड़ती है। अब यहाँ टोटल इनवर्ड सप्लाईज के सामने हमें इस पूरे पीरियड का टोटल टैक्सेबल अमाउंट दिखाई दे रहा है, उस पर कितना टैक्स बन रहा है और उसी के आधार पर टोटल ITC कितना अवेलेबल है ये दिखाई पड़ रहा है। इन तीनों के बारे में हम आपको एडवांस लेवल की वीडियोस में बताएंगे। आइए अब हम बात करते हैं GSTR-3B के बारे में। हम इस पर जाकर के एंटर प्रेस कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के लिए जो भी पीरियड सिलेक्ट किया गया होगा उस अवधि में परचेज और सेल्स की जितनी भी एंट्रीज होंगी GSTR-3B उसकी समरी है। ये रिपोर्ट परचेज और सेल्स के आधार पर ऑटोमेटिकली तैयार होती है। ये देखिए GSTR-3B हमें रिटर्न व्यू में दिखाई दे रही है। GSTR-3B के इस व्यू के बारे में हम आपको एडवांस लेवल में समझाएंगे। अभी हम F5 की प्रेस करके इसके नेचर व्यू के बारे में समझ लेते हैं। ये देखिए GSTR-3B नेचर व्यू में ओपन हो गई है। ये देखिए यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाईज लिखा हुआ है। हम जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज करते हैं यहाँ उसकी जानकारी दिखाई देती है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमने कुल कितने रुपए की लोकल सेल्स की है, कुल कितने रुपए की इंटरस्टेट सेल्स की है और दोनों को मिलाकर टोटल आउटवर्ड सप्लाईज कितने की है। आप चाहे तो इसे यहाँ और भी डिटेल में देख सकते हैं। ये देखिए लोकल सेल्स में हमने कितनी टैक्सेबल सेल्स की हैं और कितनी एग्जेम्प्टेड सेल्स की हैं वो भी दिखाई पड़ रही हैं। और इसी तरह से हम इंटरस्टेट सेल्स की भी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ हमारे ऊपर टोटल लायबिलिटी कितनी बन रही है ये भी दिखाई पड़ रहा है। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। ये देखिए जिस तरह से हमने आउटवर्ड सप्लाईज वाले सेक्शन में सेल्स से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी ठीक उसी तरह यहाँ इनवर्ड सप्लाईज में हमें परचेस से संबंधित सभी जानकारी मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पर टोटल ITC कितना है
ये भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि जो भी रेगुलर डीलर है उसे GSTR-3B रिटर्न भरना जरूरी होता है। टर्नओवर यदि 5 करोड़ से ज्यादा है तो मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है, और 5 करोड़ से कम है तो क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं और मंथली भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया जीएसटी रिपोर्ट्स के बारे में। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे अनसर्टेन और मिसमैच ट्रांजैक्शंस के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।